हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आंवले की कैंडी। इन्हें गटागट भी कहते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आंवले हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर खाने चाहिए और बच्चों को भी खिलाने चाहिए, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी आंवला खाने पसंद नहीं करते हैं। तो ये कैंडी बना करके हम उनके लिए रख सकते हैं और रोज़ाना ये बहुत ही शौक से इन्हें खाएँगे। इन 5 गोलियों को बना करके हम स्टोर भी कर सकते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान होता है। आंवलों में विटामिन सी और विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, पेट को डाइजेस्ट रखता है, हमारी आँखों, स्किन और बाल के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो आंवले को किसी न किसी रूप में ज़रूर स्टोर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बस सर्दियों में ही मिलते हैं और काफ़ी सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो आंवले ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से धो लिया है और अब इन्हें हमें बॉयल करना है। तो एक पैन ले रहे हैं, उसमें आंवलों को हम डाल देंगे और इन्हें बॉयल करने के लिए 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। आप चाहे तो कुकर में भी इन्हें उबाल सकते हैं। अब इसे हम ढक करके रख देंगे पकने के लिए। जब तक ये उबल रहे हैं मसाले देख लेते हैं। मसालों में हमने 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच अजवाइन पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच खाने का नमक, 1/2 चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच सौंठ यानी जिंजर पाउडर, 1 नींबू और गुड़ लिया है। तो आंवले 500 ग्राम थे, इसलिए गुड़ भी 500 ग्राम लिया है और इन्हें हमने कैची से काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहें तो इन्हें ग्रेट कर सकते हैं या फिर खलबट्टे में तोड़ सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं और आंवलों को पकते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आंवले हमारे अच्छे से उबल गए हैं। अब इन्हें हम किसी प्लेट या थाली में निकाल लेंगे ठंडे होने के लिए। तो देखिए इनके फाके भी अलग हो गई हैं और ये जो पानी बचा है इसे हम आलू को पीसने में यूज़ कर लेंगे। तो सारे पीसेस हमने आलू के अलग कर दिए हैं। अब इसे हम डाल रहे हैं ग्राइंडिंग जार में। इन्हें हमें पीस करके पेस्ट बनाना है। तो अगर ऐसे ही पीस जाता है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा पानी यूज़ कर लेंगे जिसमें हमने बॉयल किया था उसी पानी से। तो चलिए पीस करके ले आते हैं। तो लीजिए आलू का पेस्ट बन करके तैयार है। अब इन्हें हम किसी भी पैन या फिर स्टील की कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। एल्युमिनियम या लोहे की कढ़ाई का यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि आंवला खट्टा होता है तो ये रिएक्ट होगा। अब फ्लेम को ऑन करके हम इसे रख देंगे पकने के लिए। अब इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल इसी तरह से हमें सिर्फ आंवलों को ही पकाना है। तो 10 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे, इसका काफ़ी पानी सूख जाएगा। आंवलों का देखिए कलर चेंज हो गया है और पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और ड्राई भी हो गए हैं। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। तो जितना आंवला रहेगा उतना ही गुड़ डालेंगे, या फिर आप क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं कि बच्चों को खट्टे ना लगे, कसैले ना लगे। अब इन्हें फ्लेम को बिल्कुल लो करके हमें मेल्ट करना है ताकि नीचे चिपके नहीं, और इसी तरह से धीरे धीरे चलाते हुए हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो आप चाहें तो चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ के गटागट बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए गुड़ का ही यूज़ करिएगा तो ज़्यादा बेटर है। अब ये जो छोटे छोटे से चंक बचे हैं इन्हें हम इस तरह से कलछी से दबाते हुए तोड़ लेंगे। और अब देखिए पूरी तरह से गुड़ मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी चटनी की तरह रख सकते हैं, लेकिन हम इनकी गोलियां बना रहे हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे डाल दिया है काला नमक, सौंठ पाउडर, अमचूर पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, अजवाइन पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हींग। अब ये जितने भी मसाले हमने यूज़ किए हैं इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, और ये सारे मसालों की वजह से ये गोलियां बहुत ही पाचक बनेंगी, पेट को डाइजेस्ट रखेंगी और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगी। तो फिर इन मसालों का यूज़ ज़रूर करिएगा। अब इसी तरह से हमें इन्हें चलाते हुए बिल्कुल भी ड्राई कर लेना है। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और लगातार चलाएँगे, इन्हें छोड़ करके हटना नहीं है वरना ये नीचे से जलने लगेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं नींबू का रस, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, खट्टा मीठा सा इसका स्वाद हो जाएगा। अभी हमें इसे लगातार चलाते हुए बिल्कुल ड्राई करना है। ये इतने सूख जाएंगे कि बिल्कुल डो की शक्ल ले लेंगे।
तो ये देखिए नीचे से इसमें बबल्स भी बनने लगे हैं, यानी कि पानी अब सूख गया है और ये हमारा आंवले का डो बन करके तैयार है। अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसे किसी प्लेट या थाली में हम ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। इन्हें ठंडे होने में काफ़ी टाइम लगता है। थोड़ा सा फैला देंगे और इन्हें छोड़ देंगे पंखे की हवा में, या फिर वैसे ही रख दीजिए। 2 से 3 घंटे में बहुत ही आराम से ये ठंडे हो जाते हैं। अब इनकी हमें गोलियाँ बनानी हैं। आप चाहें तो इनके पीसेज भी बना सकते हैं चौकोर, या फिर इस तरह से गोलियाँ बना लीजिए। और यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर लिया है, यानी चीनी को पीस लिया था, और इसमें इस तरह से गोलियों को डाल के हिला देंगे तो आसानी से ये कोट हो जा रही हैं। और गोलियों को बनाने में ये हथेली में चिपकती हैं, तो आप ज़रा ज़रा सा पानी हथेलियों में लगा करके बनाइए। बस उंगली डुबा करके पानी लीजिए, इतना ही पानी लीजिए, और फिर गोलियाँ बना करके तैयार कर लीजिए। तो लीजिए, बन करके तैयार हो गई है हमारी ये आंवले की कैंडी। ये खट्टे मीठे आंवले की गटागट बहुत ही टेस्टी होती हैं, और देखा बनाना भी बहुत ही आसान था। आप इस तरह से बना करके इन्हें स्टोर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।